सरकार के वन पर्यावरण एवं पर्यटन मंत्री मुलुभाई बेरा से बात की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। सिग्नेचर ब्रिज सुदर्शन सेतु का लोकार्पण रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये अनुभव लोगों के लिए विशिष्ट होगा क्योंकि ये द्वारका और द्वारकाधीश को जोड़ेगा, द्वारका और भेट द्वारका को जोड़ेगा। गुजरात के वन पर्यावरण एवं पर्यटन मंत्री मुलुभाई बेरा जी हमारे साथ हैं। सर, किस रूप में देखते हैं कि एक लोगों की आकांक्षा बहुत लंबे दशकों की, शताब्दियों की कह सकते हैं, कि अब वो पूरी हो रही है, एक संकल्प की सिद्धि हो रही है? बेट द्वारका का जो सुदर्शन सेतु है, उनके लिए वर्षों से, काफी सालों से सबका मनमा था कि ये बेट द्वारका जाने में, जाने के लिए एक ब्रिज बन सके। आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो सही करके बता दिया कि ये सुदर्शन सेतु है। उनका भूमि पूजन उन्हें किया था और अभी कल वो ये लोकार्पण करने के लिए भी नरेंद्र भाई मोदी साहब आ रहे हैं। इसलिए द्वारका डिस्ट्रिक्ट के सभी लोग का इतना उत्साह बढ़ गया है कि ये कार्यक्रम में हर गांव में कृष्ण जी का जो छोटा स्वरूप है, उनका नंदघर में एक हरीफाई भी वेशभूषा हुई है। एक चीज ये जानना चाहेंगे, किस तरीके से ये पर्यटन को बढ़ावा देगा? धार्मिक रूप से पूरे देश के कोने कोने से लोग आते हैं, दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर भी अभी आ जाएगा। मोदी साहब जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, उस टाइम से ये द्वारका क्षेत्र की कायापलट हो गई है और यहाँ खूब प्रवासी है, अभी आते रहते हैं। और अभी ये जो सुदर्शन सेतु है और शिवराजपुर बीच का पूर्ण काम होगा तो काफ़ी पर्यटकों की भीड़ या ज़्यादा पर्यटकों है वो बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए। तो एक सेतु का ही उद्घाटन नहीं हो रहा सुदर्शन सेतु का, बल्कि ये समूचे द्वारका क्षेत्र को विकास का नया द्वार खोल रहा है। बड़ी संख्या में धार्मिक पर्यटक तो आएंगे ही, साथ ही साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी यहाँ खुलेंगे। कैमरा पर्सन मोहित उइके के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, द्वारकाधीश। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर।